हेलो दोस्तों, शडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 आज रात हो चुका है, कल सुबह मीन्स कि सब लोगों का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत तो धधक होगा ही, लेकिन अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। और मैंने जितना कोशिश किया, जितना समय था मैंने पूरा देने की कोशिश किया, लेकिन दो तीन सब्जेक्ट अभी भी छूट गए मास्टर वीडियो में, पर मैं उसे बनाकर जो 20 तारीख के जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए मैं ज़रूर बना दूंगा। अब बात यहीं रहा कि कल जिनके लिए एग्ज़ाम है उनके लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कल जो 6.5 लाख लोग के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है, मीन्स कि एक शिफ्ट में आपको 3.25 लाख, आप देख सकते हैं एक शिफ्ट में 3.25 लाख, 550 सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार में, और लगभग कितने फॉर्म आए थे तो 12,66,000 लड़कों के लिए ये किया गया है। इसकी और जो एग्ज़ाम होगा वो 20 तारीख को होगा, 20 जनवरी 2020 को होगा। कल पहले मीन्स को होगा, दो शिफ्ट में होगा, मीन्स की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट तो कल पहले दिन होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके साथ में क्या ले जाना है। देखिए, मैं आज कुछ ज़्यादा ही डिटेल बात करने वाला हूँ, आपके साथ में क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, एंट्री नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। दूसरे में आपको एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड एग्जाम देने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, इधर उधर गुम कर देते हैं, लेकिन आपको सुरक्षित रखना है उसका। अगर हार्ड कॉपी रखते हैं तो रखते हैं, उसका सॉफ्ट कॉपी भी कोशिश कीजिएगा जो मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, अगर आप नहीं रख पाते हैं तो कोई दोस्त को दे दीजिएगा, वो सुरक्षित रख लेगा। ठीक, तो एडमिट कार्ड रखना है। फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना है, आपको क्या करना है, फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना है, कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड की कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड ही ले जाने के लिए। ठीक, साथ में फोटो भी कुछ ले जाइएगा, बोला नहीं गया लेकिन साथ में फोटो ले जाइएगा। धोखाधड़ी नहीं करना है, कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है आपसे या कोई भी बोल रहा है कि इतने में क्वेश्चन पेपर मैं दे दूंगा, ये कर दूंगा, इस चक्कर में मत पड़िएगा, दिमाग में टेंशन होगा, एग्जाम भी अच्छा नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए परीक्षा स्थान नियत है, परीक्षा स्थान को नियत किया गया है कि वहीं पर आप बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, कहीं भी अगर किसी और के स्थान पर आप नहीं बैठिएगा तो अच्छी बात है। कोई भी उपकरण, देखिए ये तो बोला गया है कोई भी उपकरण नहीं ले जाना है आपको, लाइक मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब नहीं ले जाना है। ठीक, ओएमआर और परीक्षा पत्र नहीं लाना है, क्या करना है कि ओएमआर भरकर आपको वहीं पे दे देना है, परीक्षा प्रश्न पत्र जो भी होगा वो भी दे देना है, साथ में ध्यान से ओएमआर भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला कभी नहीं छोड़ना है, ये हस्ताक्षर जो है हिंदी इंग्लिश और अंगूठा का निशान, अंगूठा का निशान बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है आपको ये जाहिर करने के लिए कि ये मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैं ही हूँ जो मैंने ये बैठकर एग्जाम दिया है। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए ये ओएमआर शीट आपको मिलेगा, इस पर भी पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ, आज लास्ट है, कल आपका एग्जाम है, मैं पूरी कोशिश किया जितना तैयारी कराने के लिए उतना कराया, दो दिन से रूम में ही पैक हूँ, आज थोड़ा समय मिला है तो घूमने भी जाऊंगा बाहर। तो यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए ओएमआर आपका आंसर शीट है, और यहाँ से आपको क्या करना, अपने राइटिंग में यहाँ पर लिखना होगा हिंदी इंग्लिश में, और यहाँ पर आपको ये वाला दोनों सेक्शन अच्छे से भरना होगा, ये वाला रोल नंबर का सेक्शन है, ये वाला है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर का सेक्शन। अगर इसमें एक भी गलत होता है तो आपको कोई फायदा नहीं, आप 100 का 100 क्वेश्चन क्यों नहीं सही लगाए हो, इसे ध्यान से भरिएगा। साथ में ये जो क्वेश्चन है इसे आप गोला कर अच्छे से भरिएगा, हो सके तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन बहुत ही अच्छा होता है, उसे ही यूज कीजिए ओएमआर भरने में, कहीं भी निर्देश में भी दिया रहता है कि ब्लैक कहीं इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए ये आपका साइन होगा, ठीक, थंब का निशान होगा, और यही आपका एविडेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको क्वेश्चन लगाकर, इस क्वेश्चन कर परीक्षा देकर आपको बाहर आना है, तो समय मिलेगा तो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, अपने से लिख कर टाइप कर मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। और कोई भी अगर मान लीजिए पेपर लीक का मामला होता है आपके पास, ऐसे होता है एविडेंस, तो आप जरूर भेजिएगा। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम रद्द तभी हो सकता है जब एग्ज़ाम होते समय परीक्षा के पेपर आउट हो, मीन्स कि वो वायरल हो उस समय, और उसको क्या करना होता है, आप भी ये काम कर सकते हैं, मेल कर दीजिए CSBC को, मेल कर दीजिए या बगल के थाने में ले जाकर उसे FIR कर दीजिए, आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपसे मात्र ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पेपर आया, तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये कर दीजिएगा तो वो परीक्षा पत्र वहाँ का रद्द हो सकता है। ये आपका मेरा नंबर है, इसकी आप डाउनलोड में इसकी अपलोड कर इसकी लिख लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, लिख लीजिएगा, और यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जो यहाँ पर देखिए मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि पटना में अभी काफ़ी भीड़ लग चुका है, ठीक, पटना में काफ़ी भीड़ लग चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने लोग आए हैं पटना स्टेशन पर, मैं एक सीन दिखा रहा हूँ आपको, एक लड़का वीडियो बनाकर भेजा है 2 मिनट का, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सीन। ये देखिए ये पटना स्टेशन का सीन है, आप देख सकते हैं सामने, ये पटना स्टेशन का सीन है, और ये देखिए कितना भीड़ है, स्टेशन जंक्शन का सीन है ये, आप देख सकते हैं। ठीक, ये पटना स्टेशन महावीर स्थान जो है, देखिए काफ़ी लड़के 6.5 लाख लड़के कहलाते हैं, फिर इतना ही लड़के आपको 20 तारीख को भी इधर से उधर करेंगे, लड़कियों का होम सेंटर दिया हुआ है तो लड़कियों को मिस की संख्या ही कितना होता है। अब आइए बात करते हैं, और अगर बात किया जाए लड़का की अपेक्षा तो लड़कियों की संख्या कम होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियों की संख्या कम है, और लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया हुआ है कि उनको कोई ट्रबल ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट, और लड़कों को इसलिए दिया गया है कि वो चोरी वोरी ये सेंटर जो बुकिंग कर लेते हैं ना, कि दूसरे स्थान पर दूसरे लोग बैठ जाते हैं या पूरा सेंटर ही बुक कर लेंगे, ठीक, इसको रोकने के लिए, और काफ़ी जिला में ये देखा भी गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सासाराम, जो जिनका एग्ज़ाम सासाराम है, क्योंकि मैं सासाराम से हूँ, जिनका एग्ज़ाम सासाराम है वो महत्वपूर्ण, ये देखिए अगर आप सासाराम आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब खाने की दिक्कत होगा तो आप ध्यान में रखिएगा,
सबसे शुद्ध शाकाहारी भोजन जो खिलाता है ये पांडे होटल है, सासाराम का पांडे होटल। तीन एक जगह हो, दो तीन एक ही जगह होटल पर है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना खिलाता है आपको शुद्ध शाकाहारी। ऐसा नहीं है मेरे सोच से कोई जान पहचान, ऐसा कुछ नहीं है, जान पहचान कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मुझे भी कभी कभी भूख लगता है तो मैं वहीं जाता हूँ, मैं सासाराम में ही रहता हूँ इसलिए पूरा फैमिली। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो पांडे होटल जा सकते हैं। हाँ, वो स्टेशन से कुछ दूर पड़ेगा, मीन्स कि 500 मीटर दूर पड़ेगा, लेकिन पैदल आप घूमते फिरते जा सकते हैं। सासाराम का माहौल बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मिलनसार लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले खराब था लेकिन अब बहुत ही अच्छा वो हो चुका है। और साथ में आप, अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है तो आप स्टेशन पर ही रुक सकते हैं। स्टेशन पर क्या है कि पहले आप गर्मी में आते तो देखते कितना मज़ा आता है। स्टेशन पर क्या होता है कि सभी लोग क्या होते हैं सासाराम के, जो भी मीन्स के रूम लेकर पढ़ते हैं या जो भी यहाँ के रहने वाले भी होते हैं, वो क्यूज़ करने के लिए रात रात भर आपको पढ़ते हैं, आपको स्टेशन पर ही पढ़ते हैं। क्योंकि इस पर काफ़ी वीडियो भी बना है, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है सासाराम का स्टेशन का, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पहले शांति से आप रहिएगा। और बात रहा कि एग्जाम सेंटर, देखिए एग्जाम सेंटर जो भी कॉलेज है सासाराम के अगल बगल, वो काफ़ी नज़दीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल मत जाइएगा ऑटो वाला। जैसे एसपी जैन कॉलेज हुआ, कुछ दूर पड़ता है लेकिन आप ऑटो कर जा सकते हैं, 5 से 10 रुपया लगेगा, ऑटो कर जा सकते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो सासाराम के लड़के कहीं और एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं उनको भी यही, समस्तीपुर आई थिंक सासाराम के लड़कों को एग्ज़ाम पड़ा है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए। सभी डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के सभी जिले के लड़कों को मैं यही निर्देश देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मन लगाकर एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम से पहले किसी से झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि उसका जो है ना वो टेंशन आपके एग्ज़ाम हॉल में दिखने लगता है, ठीक। एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 घंटे कोशिश कीजिए सोने के लिए, और अच्छे से फ्रेश होकर जाइए एग्ज़ाम दीजिए, और फिर अच्छे से घर लौट जाइए। सभी क्वेश्चन करना है, 100 को 100 क्वेश्चन करना है, कोई निगेटिव नहीं है, और अच्छे से क्वेश्चन करना है। कोशिश कीजिएगा मैथ लास्ट में करने के लिए, और समय आपके पास अच्छा खासा बचेगा। अगर आपसे अपने से खुद से क्वेश्चन करना होगा तो आप, मुझे लगता है कि 1.5 घंटा 1.5 घंटा में आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, इतना मुझे होप है। अच्छे से अगर तैयारी आपका हुआ होगा, आप कर रहे होंगे तो, ठीक। तो यही निर्देश मुझे देना था। और सासाराम में अगर आए होंगे तो आप सासाराम की रोजा घूम सकते हैं, शेरशाह रोजा, पानी रोजा है, बहुत ही अच्छा जगह है, आप जाकर जरूर देखिएगा। बाहर से ही देख लीजिएगा लेकिन देख लीजिएगा, अंदर जाने के लिए अगर नहीं है तो मिस नहीं जाइएगा तो मत जाइएगा, लेकिन बाहर से ही देख लीजिएगा। और जो अभी तक सासाराम नहीं पहुंचे हैं उनका अगर 2nd शिफ्ट में कल एग्जाम है तो 5:00 बजे एक ट्रेन आती है, और रात के बुद्ध पूर्णिमा भी आती है, ठीक। तो ट्रेन अभी जैसे कि 5 बजे शाम को भी एक ट्रेन खुली होगी, वो गया होते आई होगी, और एक 3 बजे भी खुली होगी, वो आरा होते आई होगी। मीन्स कि आरा से भी बहुत से पैसेंजर चलती है सासाराम होते हुए मुगलसराय की तरफ, नहीं तो आप गया के वाला रूट पकड़ सकते हैं। गया वाला मेन रूट पड़ता है जो सासाराम होते मुगलसराय जाता है, तो वो जो पूर्व स्टेट से जितना भी गाड़ी आती है, जैसे कि उड़ीसा से हुआ, पश्चिम बंगाल से हुआ, वो गया होते हुए सासाराम जरूर एक बार रुकती है, और सासाराम में अच्छे से जा सकते हैं, ठीक। नहीं तो नहीं गए हैं तो अभी तक, तो सुबह पटना से एक खुलती है, 5 बजे सुबह पटना से खुलती है, उसे जरूर पकड़ लीजिएगा, वो आपको अच्छे समय पर 9 से 10 बजे पहुँचा देगा। लेकिन वो 2nd शिफ्ट वालों के लिए है, 2nd शिफ्ट वाले अच्छे से पहुंच सकते हैं। अपने रिपोर्टिंग टाइम से पहले कोशिश कीजिएगा पहुंचने के लिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, मैसेज आप कर सकते हैं। और बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो नंबर है इस पर आपको क्वेश्चन शेयर करना है, जो भी दिक्कत हो वो भी बता सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से जितना हो सका मैंने कई किया, और अभी आपकी बारी है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे दिखा रहे हैं तो पक्का इसकी, अगर एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं तो फिर मैं ऑनलाइन आपका क्लास शुरू कर दूंगा, मिस की ऑनलाइन आकर पढ़ाने शुरू कर दूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप अच्छे रिजल्ट दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक सबको, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना होगा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आप वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।